एक बहुत पुरानी कमाल की कहानी आपको सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसने सुन रखा था कि बुद्ध नाम के एक बहुत बड़े महात्मा, बहुत बड़े संत हैं। तो हमारी आपकी तरह उसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी। उसने सोचा क्यों ना इन महात्मा, इन संत से मिला जाए, शायद ये मेरी इन सारी प्रॉब्लम्स का कोई सलूशन दे पाए। वो आदमी महात्मा बुद्ध के पास गया और उनसे बोला कि मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी बारिश होती नहीं है। इनफैक्ट कई महीनों तक बारिश नहीं होती, सूखा पड़ जाता है। पिछले साल तो मेरे परिवार को भूखे मरने की नौबत आ गई। और कभी बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जैसी फसल होनी चाहिए वैसी नहीं होती। महात्मा बुद्ध शांति से सुनते रहे। फिर उसने कहा, मैं शादीशुदा व्यक्ति हूँ, जो मेरी पत्नी है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी वो मुझे इतने ताने सुनाती है कि मेरा मन जो है वो उससे भी त्रस्त हो जाता है, मैं उससे परेशान हो जाता हूँ। महात्मा बुद्ध शांति से सुनते रहे। फिर उसने कहा, मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जितना उन्हें मुझे सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान देते नहीं हैं। एंड सो ऑन वो अपनी समस्याएं बताता गया। महात्मा बुद्ध शांति से सुनते रहे। जब उसने सारी समस्या अपनी बता ली, जब अपने मन की सारी भड़ास निकाल दी, तो वो नील डाउन हुआ, घुटने के बल बैठा, सर झुकाया और इंतज़ार करने लगा कि महात्मा बुद्ध ऐसा कुछ बोलेंगे जो एक झटके में उसकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे, कुछ ऐसा सोल्यूशन दे देंगे कि उसकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन बदले में महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब वो व्यक्ति चौंक गया, कुछ नहीं कर सकते मतलब? महात्मा बुद्ध ने कहा कि सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ना हो। इनफैक्ट सबकी लाइफ में 83 प्रॉब्लम्स होती हैं, 83 समस्याएं होती हैं हर एक के जीवन में, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर एक दो प्रॉब्लम्स को आप बहुत मेहनत करके सॉल्व भी कर लो, तो कोई नई समस्या, कोई नई प्रॉब्लम उस जगह पे आ जाएगी, तो वो कभी नहीं ख़त्म होनी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जिनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, एक ना एक दिन उन्हें भी जाना है, एक ना दिन आपको स्वयं ख़त्म होना है, तो ये भी तो एक समस्या है। इस समस्या को कोई भी हल नहीं कर सकता। अब वो आदमी भड़क गया। उसने कहा, मुझे तो लगा था बहुत बड़े टीचर हो आप, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े महात्मा हो, इतना नाम सुना था मैंने, क्या फ़ायदा ऐसे ज्ञान का जब आप मेरी समस्या कोई सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी जो 84th प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकता हूँ। अब आदमी चौंक गया, 83 तो सॉल्व हो नहीं रही, 84th प्रॉब्लम कहाँ से लाऊं? तो उसने पूछा, ये 84th प्रॉब्लम कौन सी है? तो महात्मा बुद्ध धीरे से मुस्कुराए, बोले, 84th प्रॉब्लम वो है कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। महात्मा बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि यार, लाइफ जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती। कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम चली गई, यानी आपकी लाइफ भी ख़त्म हो गई, ये जाएगी आपके मरने के साथ ही, और मरना भी एक प्रॉब्लम है। लाइफ में अप डाउन्स लगे रहते हैं, ये कभी स्ट्रेट पाथ में नहीं चल सकती, ये एक रोलर कोस्टर राइड है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पल आएगा ही नहीं जब आपको लगे कि आपकी लाइफ में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही। कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पंगे लगे रहेंगे, चाहे आपके वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके फ्रेंड से जुड़ा हो, चाहे आपकी फैमिली से हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशूज़, कोई ना कोई चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी जो आपको डिस्टर्ब करेंगी, जो आपको तंग करेंगी, और ये कभी नहीं रुकेगा। इसलिए कभी ये चीज़ ना मांगे कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि ये वो इच्छा है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। हमें इसी के साथ जीना है, और जितना जल्दी ये सच हम एक्सेप्ट कर लेंगे उतनी बेटर हमारी लाइफ हो जाएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और इस मैसेज को पहुंचाएं कि इस चीज़ की इच्छा करना छोड़ने की लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बशर्ते आज में जिएं, खुश रहें और अपना ध्यान रखें। मिलते हैं जल्दी एक और नई कहानी के साथ।